अस्सलाम वालेकुम, शराए दसू से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं ए क्यू एस के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और मतीउल्लाह जान। आज अदालती इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अहम मुकदमा थे एवन फील्ड के हवाले से, तो कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है। और फिर दूसरा जो था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो ट्रायल हुआ था और उन्हें सजाए मौत हुई थी, उन परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत के ख़िलाफ़ अपील और सजाए मौत देने वाली खसूसी अदालत को गैर कानूनी करार देकर ये फैसला ख़त्म करने वाली लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके ख़िलाफ़ अपीलों की आज समाअत थी। और आज जो है वो गुज़िश्ता ऑर्डर की रोशनी के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का वो रिकॉर्ड जो है वो भी तलब किया गया था कि फाइलिंग होने से लेके और फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड में क्या कुछ हुआ। ज़ाहिर एक तरीक़ाकार होता है अदालत के अंदर रुजू करने का, कौन से एफिडेविट्स फाइल करने होते हैं, मुतलका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी अटेस्टेशन होती है और फिर उसके बाद इतराज़ात का मरला और वो कौन कौन से वकील थे। तो जो रिकॉर्ड था उसको देखते हुए जो है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे लाहौर हाईकोर्ट के अंदर चीज़ें मैनिपुलेट की गई हैं, वो बात है। और फिर दूसरा, आज हामिद ख़ान जो हैं उन्होंने इस लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार समात के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के हवाले से अपने आर्गुमेंट जो हैं वो शुरू किए हैं। और उनके सवालात के दौरान जो है वो जस्टिस काजी फैसल ने उनसे एक बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हो या उसको ओवरटर्न किया गया हो या इनवैलिड करार दिया हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलदम करार दिया हो हाई कोर्ट ने। तो इस हवाले से जब आर्टिकल 189 पढ़ा गया तो उसके अंदर जो है वो जाहिर है कि हाई कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है या हुक्म है फैसला है वो पाबंदी लाजम है आइनी तौर के ऊपर उनके ऊपर। तो अब ये मामला किधर जाएगा? आया वो जज साहिबान जिन्होंने इस आइनी पाबंदी की खिलाफ वर्जी की, वो फैसला देने वाले तीन जज साहिबान हैं। एक उनमें जस्टिस मुजाहिली अकबर नकवी हैं, दूसरे जस्टिस अमीर भट्टी हैं और तीसरे मसूद जहांगीरी, शायद वो रिटायर हो गए, वो जज साहब हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास इस मीटिंग में चल रहा है और वहाँ पर जस्टिस मुजाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनिंदगान हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक अपने जो दस्तावेजी शवाहद हैं वो सामने रख रहे हैं। तो उस पर क्या होता है वो तो बाद में बात करेंगे। तो नासिर साहब, आज जो ऑब्जर्वेशंस अदालत की तरफ से आई उस पर आपकी राय लेने से पहले मैं मतीउल्लाह जान से पूछता हूँ, क्योंकि हामिद ख़ान साहब को जब अदालत ने वो रिकॉर्ड दिया कि आप भी देखें तो वहाँ पे मतीउल्लाह जान भी थे, मैं भी था, आप भी मौजूद थे, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सामने आ रही थी, वो क्या क्या थी मतीउल्लाह जान साहब? देखें क़य्यूम, लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो ऐसा हैरान कुन फैसला था कि शायद माजी में कभी किसी हाई कोर्ट ने इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया। वो जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीरी साहब ने जो, वो ये था कि जो जनरल मुशर्रफ को जिस खसूसी अदालत ने सजाए मौत दी है वो खसूसी अदालत जो थी उसका क़याम और उसकी तश्कील ही गैर आइनी है। मतलब कि खसूसी अदालत जब अपना फ़ैसला सुना चुकी थी, जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत दे चुकी थी, तो अचानक लाहौर हाई कोर्ट से बैठ के जस्टिस मुजाहिर नकवी और दूसरे जजों ने कर दिया और ये उसके फ़ौरन बाद ही जस्टिस मुजाहिर नकवी को तरक्की मिल गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए। लेकिन ये नहीं, उससे पहले उनके खिलाफ जो रेफरेंस था कलरेबल एक्सरसाइज वाला वो कलदम हुआ साकिब निसार साहब की अदालत से। एग्जैक्टली, वो एक और केस में इस तरह का एक मामला शिकायत आई थी और वो फिर उनके खिलाफ रेफरेंस भी ख़त्म हो गया था। मगर मामला ये था कि जस्टिस मुजाहिर नकवी, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो अब सारा मलबा तो उन्हीं पे गिरता है कि मुशर्रफ को इन्होंने बचाने की कोशिश की एक इंतहाई गैर आइनी और गैर मामूली अपने हुक्म के ज़रिए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए। तो सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद में काम करने वाले खसूसी अदालत के खिलाफ लाहौर में जाके एक रिट दायर कर दी। वही यूजुअल सस्पेक्ट जो है, जो कि हमेशा से आपको पता है उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, आजकल तो बेचारे एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे, लेकिन ये है कि बेचारे फिर भी नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब उस वक्त ये शक पड़ा कि सारा कुछ मैनिपुलेट हुआ, जिस रफ्तार से दरख्वास्त डाली गई, जिस रफ्तार से उस पर नंबर लगा, जिस रफ्तार से उसको फ़ौरन लगाया गया और जिस रफ्तार से डे टू डे, पहले सिंगल जज ने हेयरिंग की
फिर उसके बाद तीन जजों का बेंच बन गया। और सिंगल जज कौन थे? और सिंगल जज मुजहर अली अकबर नकवी थे। मतलब सारी बुनियाद जो रखी ना, जो ईंटें रखी बुनियाद, वो मुजहर अली अकबर नकवी साहब ने रखी थी सिंगल जज के तौर पे, और बाद में दो और जजों को भी साथ मिला लिया। तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि उसमें रिकॉर्ड मंगवाया गया, एफिडेविट भी लगा हुआ था जो ओथ कमिश्नर का अटेस्टेड था, वो क्या था? जी हाँ, वो जो रिकॉर्ड मंगवाया गया तो ये इंकशाफ हुआ, और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की जो फाइल मंगवाई गई है उससे इंकशाफ हो रहा है कि जो रजिस्ट्रार ने जो इतराज़ात किए थे वो इतराज़ात तो दूर ही नहीं हुए और बज़ाहिर उनके बारे में जजमेंट में भी कोई जिक्र नहीं है। और वह एतराज़ात उनमें से एक ये था कि जो जलम शरफ खुद तो यहाँ पर थे नहीं, तो फिर किसने स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को वहाँ चैलेंज किया? वो कोई अपना आज़र सदीक साहब थे और कोई नज़ीर अहमद साहब थे जो जलम शरफ के अटॉर्नी थे, लेकिन जो नोटरी पब्लिक हुआ है, जो अटॉर्नी को अटेस्ट किया गया है लाहौर के किसी ओथ कमिश्नर ने किया है, उस पर मोहर लगाई और मोहर पे लिखा हुआ है कि जलम शरफ ने ये अटॉर्नी मेरे सामने दस्तखत की। मतलब कि जलम शरफ बाहर लंदन में बैठे, दुबई में बैठे, ऊपर लिखा है और वो ओथ कमिश्नर मोहर लगा रहा है कि जलम शरफ ने मेरे सामने ये दस्तखत किए, लाहौर में दस्तखत किए। ये अजीब गरीब को डॉक्यूमेंट था, और ये सारे इन मशकूक कागज़ों के बावजूद भी वो रिट लग गई और वो सुनी गई, और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के हक में फैसला भी आ गया। तो अब वो जारी बात है, सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलें फाइल होने के बाद 2019 में लगाई, तो 1:12 पर नासिर साहब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके सामने, नहीं वो तो फैजाबाद वाली, फैजाबाद। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन अच्छा। आपको देता हूँ, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें लिए वक्फा हो गया है 5:15 तक का। अच्छा, तो आधे घंटे का वक्फा है, तो अब तो 3:00 कल टाइम दिया था ना। हाँ। तो 3 से 5:15 तक नासिर साहब 2 प्रोसीडिंग हुई है, मतलब 4:45 में ना अभी। हाँ, तो हाँ उस तो अभी 5:15 फिर रिज्यूम करेगी, फिर रिज्यूम करेगी। तो देखें, तो नासिर साहब आज जस्टिस सत्तर मिनला भी, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ के जो वकील हैं सलमान सफदर एडवोकेट, उन्होंने तो फिर कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे 2 का टाइम दें, मेरी बात नहीं हो सकी है जो वारिस हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के, तो उस पर वो क्या हुआ? और फिर जस्टिस अतर मिनला मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का हवाला देकर क्या कह रहे थे, और उन्होंने एक ये रिमार्क भी दिया कि अगर वो देखा जाए तो इस तरह तो क्योंकि इख्तियार समाअत हाईकोर्ट को था नहीं वहाँ पे, क्योंकि फैसला आ चुका था, अपील हो नहीं सकती थी, अपील कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो जो स्पेशल खसूसी अदालत है संगीन गद्दारी केस की, उसका फैसला तो इन फील्ड है। बेसिकली वो ये कहना चाहते थे, वो जो कह रहे थे वो स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ बार बार उन्होंने भी कहा, वो ये बावर कराना चाह रहे थे कि जो लाहौर हाईकोर्ट में एक प्ली ली गई है कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जो 2016 का है, तो लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशन है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा मुस्तफ़ा इम्पैक्स का, ये आगे से है, प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का के जो जजमेंट है, उन्होंने 2013 में इस कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना स्पेशल बेंच, तो उन्होंने उससे इम्प्लीमेंट कर दी कि चूँकि ये कैबिनेट का फुल कम्प्लीट डिसीजन नहीं था, तो मतलब इस हवाले से वो गलत है। और दूसरी बात, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी एक बात हाईलाइट की, और वो हाईलाइट ये की थी कि जो अगर आप ओरिजिनल पिटीशन देखें ना जो लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुई है, उस पर उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट को तो चैलेंज ही नहीं किया था, उन्होंने तो ट्रायल इन एब्सेंशिया चैलेंज किया था, लेकिन उसने एज्यूम कैसे कर ली लाहौर हाई कोर्ट ने इख्तियार समात। तो इसी पे तो चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी थी और बड़े हैरत का इजहार भी किया था कि क्या लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ओवरराइड कर सकती है, और ये क्या हमारे जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रेसिडेंस है, यानी इसका कोई मतलब कोई मिसाल है, मिसाल मौजूद है कि जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, जो अदालती फैसले हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि ये असल में नासिर साहब, ये जो फिर अगर आईन के आर्टिकल 189 के ख़िलाफ़ वर्जी की है इन जज साहिबान ने, प्रेम एफिशाय मैं कहता हूँ, एक फैसले के जरिए की है कि सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट भी उनके सामने मौजूद है, ये सारा कुछ उनके इल्म में होते हुए, या तो एक हो सकता है चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 हो सकती हैं, एक तो ये कि जज के इल्म में ना हो कोई बात और फिर वो इस तरह की बात करे, लेकिन जब उसके इल्म में भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता हो और फिर वो ऐसा फैसला दे, तो हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? नाजिर, आपके ख्याल में क्या ये जुडिशल मिसकॉन्डक्ट हो सकता है फैसले की बुनियाद के ऊपर?
देखें कयूम साहब, इस जो आज की हेयरिंग है जो कि कल भी होगी, इसके मेरे जहन के मुताबिक दो एस्पेक्ट हैं और दोनों बड़े खौफनाक हैं। एक एस्पेक्ट तो ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ होगा कि जी वो ये अगर मेरा ख्याल है कि अगर वो ये होल्ड कर दें सुप्रीम कोर्ट कि जो स्पेशल बेंच का ऑर्डर है वो ठीक है, तो इसके रिपरकशन सीरियस हैं। इसके रिपरकशन सीरियस इस तरह हैं कि जो बेनिफिट्स वो ले चुके हैं वो वापस होगी। इसकी इम्प्लिकेशन है, सीरियस इम्प्लिकेशन है। सजाए मौत बरकरार है कि आप पेंशन, मराद की बात कर पेंशन, रहे हैं। पेंशन जो उनको मेडल ऑफ ऑनर और मराद मिल रही है, जो रैंक एंड फाइल है, नहीं रैंक एंड फाइल का मतलब कुछ और होता है। तो मैं भी आपको असद की तरह करेक्ट करना चाह रहा था, तो वो वापस होंगी। नंबर एक। नंबर दो, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो जिस तरीके से वो केस चलाया गया है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को मतलब इग्नोर किया गया है, मेरा ख्याल है कि ये जुडिशियल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ सकती हैं और इसके सीरियस इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सख्त ऑब्जर्वेशन आती अगर है। अगर ये इस तरह की मतियुल्ला जान जुडिशियल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ जाती हैं, ये एक ये सारी के भी ऐसा बज़ाहिर प्रमेय फिशाई उनको दस्तावेजात को देख के लगता है कि मैनिपुलेट किया गया वो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स, तो फिर क्या ये बेंच जो है ये हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से क्या ये मामला मिसकंडक्ट का करार दे के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजेगा? क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को 209 के बगैर तो नहीं निकाला जा सकता या बरतरफ किया जा सकता या उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखें बात यह है कि जिस तरह स्पेशल कोर्ट के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील ही की जा सकती थी और उसको सबवर्ट नहीं किया जा सकता था जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने किया, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर भी अब अपील में ही उसको सेट साइड किया जा सकता है। मगर यहाँ पे हमने देखना है कि क्या ये जुडिशियल ऑर्डर है कि जो मिसकंडक्ट है या जुडिशियल मैनिपुलेशन है कि जिस तरीके से वो ऑर्डर हासिल किया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो फाइल रिट फाइल होना, उस पर नंबर लगना, फिर उसके जो रजिस्ट्रार ने जिस तरह मैनिपुलेट करके जो एतराज़ात होने चाहिए थे वो नहीं किए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के होते हुए रजिस्ट्रार ने एतराज़ात क्यों नहीं किए, तो ये सारी चीज़ें जुडिशियल मैनिपुलेशन में आती हैं और दिस इज़ मिसकंडक्ट। और ये भी फिर देखना पड़ेगा कि क्या जो चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के जो भी उस वक्त थे उन्होंने अगर ये केस लगाया है किसी ख़ास जज के पास और बग़ैर किसी रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ऊपर फैसला किए हुए हैं, तो क्या वो जुडिशियल मैनिपुलेशन होगी या वो प्रोटेक्टेड होगा कि ये जुडिशियल ऑर्डर है इसलिए उसके ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस नहीं लग सकते? तो मेरे ख्याल में जुडिशियल मैनिपुलेशन के ऊपर तो बिल्कुल ये बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जिस तरीके से मैनिपुलेट करके इस रेट को लगाया गया और फिर उस पर कोई एतराज़ात भी नहीं उठाए गए और फिर उसमें जो एतराज़ात थे उनके बारे में रूलिंग भी नहीं दी गई, तो इसके ऊपर तो डेफिनेटली एक मिसकंडक्ट का सीरियस केस बन सकता है। दूसरी तरफ देखें तो ये जुडिशियल मैनिपुलेशन वैसे ही है जैसे 3 नवंबर 2007 को जलाल मुशर्रफ ने अपने एक गैर आइनी फरमान के ज़रिए कुछ जजों को घर भेज दिया था और उसका मकसद भी ये था कि वो अपनी मर्ज़ी का एक फ़ैसला हासिल करना चाह रहे थे एक पर्टिकुलर केस में, तो ये भी उसी तरह की एक सबवर्शन हम कह सकते हैं और ये बड़ी सीरियस मामला है और इस मामले को भी आइन के सबवर्शन के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। देखा जा सकता है ये मतलब जान तो आर्टिकल 6 के तनाजुर में इसको देख रहे हैं नासिर साहब। नासिर साहब ये जो फैसला आएगा, अब ये इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं कि हाई कोर्ट के अंदर किस तरह से चीज़ों को या डॉक्यूमेंट्स ऐसे गलत लगा के उसको मैनिपुलेट किया गया, तो ये जो जजमेंट आएगी अब अपील के अंदर उस हवाले से जो आपकी फाइलिंग का निज़ाम है, आपको याद है एक पुराना केस भी है, एक बड़ी हाई कोर्ट की जजमेंट है, एक मारूफ वकील हैं सरदार साहब के नाम से, उनका नाम शुरू होता है, वो बतौर क्रिमिनल लायर FIR टेम्पर कर दिया करते थे तो उस पर जजमेंट आई थी। तो अब ये जैसे ये हो रहा है, ठीक है, तो इस हवाले से भी कोई गाइडलाइंस आएंगी कि फाइलिंग के हवाले से क्या हो सकता है या इस तरह का? देखिए मेरा मैं इसी लाइन पे आना और फिर वो वकला जो इसमें शामिल रहे इस सारे प्रोसेस में उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन ना इसमें तो एक वो मियाँ उनका तो नाम भी लिया गया अज़र सदीक साहब का कि वो भी उसमें थे शामिल जब ये पिटीशन फाइल हुई थी, इसमें शामिल है इसलिए बाहर भागे हुए। तो ये इसमें यकीनन गाइडलाइन हो सकती थी और उसके बिसाइड इसके अलावा कि सुप्रीम कोर्ट के एक नई जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के 2-3 जजमेंट्स हैं जिसमें AOR के जो ऑफिस है उसके बारे में ये बड़ा मतलब नागवारी का इजहार किया गया है कि ये ऑफिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा
बल्कि एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो इस ऑफिस ही को ख़त्म कर दिया जाए। आप इधर आए ना, इस तरफ आए ना, ये जो मैं हाँ। उसी साइड पे आ रहा था। मेरा कहने का मकसद है कि वो ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं और ये कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट्स को अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या फाइलिंग का जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और उसमें लेकुनाज को निकालना चाहिए ताकि ये मिसयूज़ ना हो, अब्यूज़ ना हो ये सिस्टम। क्योंकि आपको याद होगा इसी वजह से तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं अब्यूज़, और इमरान खान का जो हुआ था, और इसी वजह से 130वें नंबर पे भी हैं आपकी अदालतें पूरी दुनिया में, आपकी अदालतों के मतलब निज़ाम इंसाफ जुडिशल मतलब जस्टिस सिस्टम को इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाए। इवन दुनिया को छोड़ें, आपकी लोग भी इतने अच्छे नज़रों से नहीं देखी जाती। आप लोगों से पूछें तो दे आर नॉट सैटिस्फाइड। बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। एक आम चीज़ आप भूल गए, सलमान सफदर साहब ने कहा है कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जो केस किया था उसमें मैं फरीक नहीं बना क्योंकि मेरे नज़दीक वो मुनासिब बात नहीं थी और मैं सिर्फ जन्म शरफ के स्पेशल कोर्ट के सामने वकील था, और अब उस अपील में मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में वो खुद पेश नहीं हुआ क्योंकि मुशरफ के वकील ने भी कहा कि उनके नज़दीक वो मुनासिब चीज़ नहीं थी कि आप लाहौर हाई कोर्ट से जाके कोई इस तरह का फैसला लाते हैं। रुजू करते हैं। और फिर दूसरा आप क्योंकि यहाँ पे अपील के अंदर है तो कटल किया था बेसिकली, सवाल उनसे जो पूछा गया था उसको उन्होंने इस तरह करके क्या क्या सवाल पूछा गया, सवाल ये किया था कि आप क्या वजह है कि उन्होंने कहा था कि मैं एक जज के सामने अपीयर नहीं होना चाहता, मुजाहिर नकवी साहब के सामने अपीयर नहीं होता, तो उनसे पूछा कि वजह क्या है, तो फिर उन्होंने ये रीज़न दी थी, ये रीजंस दी थी। और उसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि बहुत सारी बातें की और उनका बिटवीन द लाइन आप समझ जाइए। हाँ। तो वो बिटवीन द लाइंस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा हम बिटवीन द लाइंस की बात हम नहीं देखते, इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या था? नहीं वो छोड़े ना, बिटवीन मैं पता नहीं आपने घड़ी की कोई बात की थी या छोड़े, मैं पर्दा किसी का रखे ऐसी बुरी बात है। अच्छा अच्छा, किसका पर्दा रखे हैं, सलमान सफदर का या दूसरे का? सबका रखना चाहिए। अच्छा, तो घड़ी देने वाले का या घड़ी लेने वाले का कंक्लूड कर रहे थे ये चाहते हैं कि सलमान सफदर को जुडिशियल काउंसिल में बतौर गवाह बुला लिया जाए। मैंने कुछ भी नहीं कहा भाई, आप ही कंक्लूड करें प्रोग्राम। नहीं मैं विटनेस हूँ, आपने जो वहाँ कहा था और आपने मुझ पर कोई कानूनी कदगन नहीं लगाई, सहाफती कदगन नहीं लगाई कि आप ये ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि ओपन कोर्ट के अंदर खुले हुए 5 लोगों के सामने ये बात हुई थी नासिर साहब। नहीं वो सब ने बातें की थी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आप नहीं करना चाहते? हाँ मैं नहीं करना चाहते। आप मुझ पे भी पाबंदी आयद कर रहे हैं और आपने सारा कुछ तो बोल दिया। अच्छा, तो बहरहाल बहुत सारी एक बहुत दिलचस्प कहानी है सलमान सफदर की, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के सामने पेश ना होने की। मतीउल्लाह जान साहब ने फिर कुछ याद दिलाया कि एवन फील्ड के अंदर आज कुछ भी नहीं हुआ, मासवे गमले टूटे हैं 4-5 और तो कुछ नहीं हुआ। मतीउल्लाह जान साहब सही बात है, वो मंडे तक चला गया मामला और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये तय कर रही है कि पहले कौन सी अपील सुनी जाएगी और उसका तरीकाकार क्या होगा, तो पीठ तक मामला चला गया। बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब आए हुए थे, शहबाज शरीफ भी थे और सारी लीडरशिप आई थी और अब हर तारीख पर वो आएंगे। जारी बात है, अब जो आगे फैसला आने जा रहे हैं आज हमें भी धक्के लगे ठीक ठाक। हम तो बड़े दीवार के साथ लग के हमने अपने आप को महफूज किया है ना, बहुत क्राउड था, बड़ा हजूम था, नवाज शरीफ साहब को बड़े नारे लग रहे थे, आपको पता है ना कि 50-60 बंदा भी हो तो पेशियां जो है ना ये इस तरह के, बिल्कुल ठीक है, ये क़यादत को देखना चाहिए कि अदालतों के अंदर अपना जो है ना एक डिसिप्लिन। एनीवेज नाज़िर साहब, ऐसे ये सियासी लोग जो हैं वो आते हैं, अच्छा नहीं है यार, इनको वीडियो लिंक पे ले लें और फिर आराम से प्रोसीडिंग या कम से कम इतना कर दें कि आप जो लीडर्स आए हुए हैं या दूसरे लोग उनको कहें कि आप कोर्ट रूम से बाहर रहें और जो जिनको बुलाया गया सिर्फ वो अंदर चले जाएं और लॉयर चले जाएं, तो ये सारा डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन आप किसी को रोक भी कैसे सकते हैं नासिर साहब, ओपन कोर्ट है ना। एनीवेज बहरहाल सिक्योरिटी के और बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं और आज तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जैमर वाली गाड़ियाँ थी है ना, मतीउल्लाह जान साहब बहुत ज़्यादा वीआईपी सिक्योरिटी थी। हाँ, मेरे ख्याल में फुल ड्रेस रिहर्सल। और फिर वो जो है हाई कोर्ट की जो दो रास्ते हैं ना, उनमें से एक रास्ता बंद करके रखा हुआ था, सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था, पब्लिक के लिए सारे रास्ते बंद हैं, जजों के सब रास्ते खुले हुए। तो जनाब जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ पर देख लीजिए जनरल परवेज के मुशर्रफ के केस के अंदर क्या वाकईतन ये मामला जिनके जो अब सामने आए हैं कि किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वकला और जो अदालती फाइल बोल रही है उसके वाले से जो तासुर उभर रहा है कि मैनिपुलेशन हुई है इस जुडिशियल सिस्टम को ये जजमेंट हासिल करने के लिए, उस पर क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल फिर इस मुकदमे की समाअत होगी, आमिर खान के दलाइल जारी हैं और दूसरी तरफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी जारी है। अजब इत्तफाक है
कि दूसरी तरफ जो है वो फैज़ाबाद धरना केस का जो कमीशन था उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस है और साथ में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की पेशी है। शरायद दस्तूर से अब्दुल करीम सदीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।